बुराड़ी विधानसभा के वेस्ट कमल विहार में पिछले कई सालों से पानी की पाइपलाइन ढल चुकी है। इसके बावजूद तो लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर समाज सेवी गौरव सिंह की तरफ से वेस्ट कमल विहार 25 फुटा रोड पर पानी के खिलाफ एक दिवसीय आंदोलन किया गया, जिसमें लोजपा के वरिष्ठ नेता एवं भूतपूर्व विधानसभा प्रत्याशी विनोद नागर ने शिरकत की। इस मौके पर विनोद नागर ने कहा कि यह विधायक की नाकामी है कि पानी की पाइपलाइन डालने के बावजूद लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, लेकिन जल बोर्ड व बुराड़ी के विधायक को शर्म तक नहीं आती। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिनों के अंदर वेस्ट कमल विहार निवासियों को पानी का कनेक्शन नहीं जोड़ा गया तो पाइपलाइन द्वारा सप्लाई नहीं दिया गया तो विधायक के खिलाफ भूख हड़ताल की जाएगी। वहीं कार्यक्रम के संयोजक गौरव सिंह ने भी कहा कि जनता के साथ धोखा और विधायक द्वारा दलाली नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि यहां की जनता से पानी के कनेक्शन के नाम पर पैसे वसूले गए हैं। 1000 की पर्ची जल बोर्ड द्वारा काट दी गई है, लेकिन लोगों से वसूले गए 2000। उन्होंने कहा कि इस पैसे को वापस देना ही पड़ेगा और जल्द से जल्द पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया तो हम सड़क पर उतरेंगे और विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। आपको बता दें कि वेस्ट कमल विहार की बहुत बड़ी कॉलोनी है, यहाँ पर लगभग 4 साल पहले पानी की पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन इसमें पानी का कनेक्शन आज तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत समस्या हो रही है। यही नहीं, वेस्ट कमल विहार में ही कई घरों में अभी तक बिजली के कनेक्शन नहीं लगे हैं, जिसको लेकर महिलाओं में भी भारी रोष देखने को मिला। कुछ महिलाओं का कहना था कि चुनाव आता है तो नेता शुरू हो जाते हैं, लेकिन बिजली के कनेक्शन आज तक हमारे घरों में नहीं है, इसलिए इस बार जो नेता वोट मांगने आएगा उसे हम जूतों की माला पहनाकर वापस भेजेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विनोद नागर एवं उनके साथ साथ अन्य अतिथियों का फूलमाला पहनाकर गौरव सिंह एवं उनकी टीम की तरफ से शानदार स्वागत किया गया। दिल्ली से संजय सिंह की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह है, मुकुंदपुर में रहता हूँ। देखिए, मेरे ख्याल से इस क्षेत्र के लोगों को अभी आपने देखा होगा 4 घंटा इस आंदोलन में बैठे रहे और ये पानी की समस्या लोगों ने खुल खुल के एक एक व्यक्ति बताया है। वैसे तो दिल्ली सरकार कहती है बिजली पानी फ्री है, लेकिन यहाँ 5-6 साल से लाइन डली हुई है और आज तक पानी को खोला नहीं गया, उसको ज्वाइंट नहीं किया गया जिससे लोगों को पानी मिल सके। आज तक यहाँ की जनता पानी खरीद कर पी रही है, उसी का आज आंदोलन। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सीधा सीधा स्पष्ट आपको बता दूं कि जनतंत्र में नेता माने कुछ होता नहीं है। नेता हमारा एक मुखिया है, यदि वो हमारा मानता है, हमारा नेतृत्व करता है तो हम उसे मानते हैं और उससे हम बात करते हैं। मान लीजिए कि नेता हमसे नाराज़ है, हमें नहीं देना चाहता है, तो सरकार थोड़ी नाराज है, सिस्टम थोड़ी नाराज है। सिस्टम से लेंगे, यहाँ पर जल बोर्ड के अधिकारियों से मिलेंगे, यहाँ पर जल बोर्ड के अध्यक्ष से मिलेंगे, उनसे इस पानी के सिस्टम को चालू कराएंगे। क्या कारण है जो जल आंदोलन करना पड़ रहा है आप लोगों को? नहीं, आखिर के मुझे तो कह रही है कि फ्री पानी दे रहे हैं, बिजली पे भी फ्री है, सब्सिडी दे रहे हैं, फिर क्यों ये करना पड़ रहा है? देखिए, मुझे अभी 2-3 दिन पहले गौरव जी ने बताया, इनके साथ में 20-25 लोग और थे, इसी क्षेत्र के हैं, सब भाइयों को जानते हैं आपस में। इन सभी ने बताया कि ना बिजली है और ना पानी है, और यहाँ आने के बाद में मुझे भी बड़ा महसूस हुआ कि इसी क्षेत्र में विधायक रहते भी हैं, इसी क्षेत्र से जीते भी हैं, और जहाँ हम लोग खड़े हैं ये बहुत पुरानी कॉलोनी है, हमेशा संघर्ष करती रही है। इसी कॉलोनी के इन्हीं साथियों ने, इन्हीं माता बहनों ने डंडे खा करके इस पूरी बुराड़ी विधानसभा के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछवाने का कार्य शुरू कराया था, और उन्हीं को आज पानी नहीं। तो ये कोई ना कोई अच्छी राजनीति का कारण है, इस पे हम जल बोर्ड वालों से भी बात करेंगे और विधायक जी से भी बात करेंगे। विधायक को भूख हड़ताल करेंगे या उससे पहले भी संजय जी से बात करने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी समस्या जल्द से जल्द हल हो? नहीं, बिल्कुल करेंगे, क्षेत्र का प्रतिनिधि तो कर रहे हैं, वो चुने हुए विधायक हैं, वो क्यों नहीं करेंगे, उनसे भी करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी करेंगे, जल बोर्ड के ऑफिसरों से भी करेंगे,
हम तो अपनी बात को हर जगह रखेंगे, 15 दिन वो मानते मानते हैं, नहीं तो फिर हम संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। गौरव सिंह जी, काफी लोग इकट्ठा हुए आज, क्या था जल आंदोलन आखिर क्यों करना पड़ा? जल आंदोलन इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे पिछले 2 साल से पाइपलाइन डाला जा चुका है और पाइपलाइन डालने के बाद विधायक जी गहरी नींद में सो रहे हैं, तो विधायक जी को नींद से जगाने के लिए आंदोलन हम लोग किए हैं और विधायक जी को 15 दिन का समय दिए हैं कि 15 दिन के अंदर अगर वेस्ट कमल विहार में बिजली नहीं पहुँची, पानी का कनेक्शन चालू नहीं हुआ और पानी नहीं छोड़ा गया तो हम लोग विधायक कार्यालय के बाहर माननीय विनोद नागर जी के नेतृत्व में भूख हड़ताल पर बैठेंगे और विधायक को अपनी बात मनवाने पर मजबूर करेंगे, अपनी जायज मांग मनवाने पर मजबूर करेंगे। मैं माननीय केजरीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार आप बुराड़ी में आइए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पानी भी बिकता है, बिजली भी बिकता है। 8 साल से लोगों के घर में बिजली नहीं है, लोग बिजली दूसरे के घर से 10 रुपया 15 रुपया पर यूनिट बिजली देकर बिजली खरीद रहे हैं। बुराड़ी दिल्ली का इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पानी भी बिक रहा है, विधायक के अपने खास लोग पानी बेच रहे हैं और बिजली भी बिक रही है यहाँ पर, तो ना ही बुराड़ी में बिजली फ्री है और ना ही पानी फ्री है। और इसीलिए आज हम लोग 15 दिन का विधायक जी को अल्टीमेटम दिए हैं, 15 दिन के अंदर अगर विधायक जी नींद से नहीं जागे तो हम लोग विधायक जी को अनशन कर जगा देंगे। और विधायक जी को मैं स्पष्ट बता देता हूँ कि लोकतंत्र में जनता से बढ़कर कुछ नहीं होता है, इसलिए विधायक जी जनता के आगे आप अकड़ दिखाना बंद कीजिए।